Hello, students. Welcome to the online classes of anthropology, and that will be helpful for your upsc and state civil services exams. Okay, so today I will be explaining you about prehistory that is, lower politic culture of India. सो प्री हिस्ट्री का जो पार्ट है हमारा वो एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी का जो बहुत सारा पार्ट है दैट इज प्री हिस्ट्री पार्ट एंड उसके बाद होता है सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड उसके बाद आता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकली एंथ्रोपोलॉजी का एक और पार्ट है दैट इज अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी या uh, जिसमें जेनेटिक्स ये सब सब आ जाता है तो प्री हिस्ट्री जो पार्ट है ये थोड़ा बहुत आपके हिस्ट्री से मैच करता है जहाँ जबकि चालकोलौथिक पीरियड जो है चालकोलोथिक पीरियड वो हिस्ट्री में भी है आपका और हमारे इस एंथ्रोपोलॉजी में भी है इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी जब आप पढ़ते हो तो आपके हिस्ट्री भी कुछ पोर्शंस कवर हो जाते हैं तो आप चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो मेंशन द लोअ पैलेथिक कल्चर कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया ये हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है तो लोअर पैलेथिक कल्चर कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया के बारे में यहाँ पर बताने को बोला है ये क्वेश्चन टेन टू फिफ्टीन मार्क्स आता है आपको वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड मार्क्स वर्ड्स का इसको लिखना होता है और क्वेश्चन लोअर पैलेथिक कल्चर इंडिया से भी आ सकता है और या सिर्फ ऐसे भी बोला जा सकता है कि लोअर पैलेथिक कल्चर के बारे में लिखिए या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है लोअर पैलेथिक कल्चर टूल्स मतलब टूल्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी लिख सकते हैं मतलब बोला जा सकता है क्वेश्चन में ऐसे भी लिखना हो सकता है ठीक है तो हम इसके आंसर को जैसे लिखेंगे हमारे प्रीवियस वीडियो में दिखाया है कि आंसर हमेशा लिखना होता है पहले इंट्रोडक्शन उसके बाद मेन बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन लिखा जाता है इंट्रोडक्शन में वन टू टू लाइंस रहता है जिसमें आपको एक जनरल आइडिया देना होता है और मेन बॉडी में आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखना होता है जितना पूरा आपको कवर करना होता है और कंक्लूजन में आपको एक छोटा सा समरी देना होता है ये पूरा जो आपने आंसर लिखा है उसका एक छोटा सा समरी वन टू टू लाइन्स या टू टू थ्री लाइन्स में खत्म हो जाना चाहिए और ये पूरा आपका वन फिफ्टी टू जितना वर्ड लिमिट बोला है एज पर द क्वेश्चन मार्क जितना मार्क्स है क्वेश्चन का उसके ऊपर डिपेंड करके आपका वर्ड लिमिट सेट होता है ठीक है तो चलिए हम लोअर पैलेथिक कल्चर कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया स्टार्ट करते हैं तो पैलेथिक कल्चर क्या है ये हमारा इंट्रोडक्शन में जाएगा तो इंट्रोडक्शन में देखिए पैलेथिक कल्चर क्या है इसमें मैं बता रही हूँ तो इसका टाइम देख लीजिए 30,000 थाउजेंड बी सी टू टेन थाउजेंड बी सी ये जो टाइम है ये आ, कभी कभी अप्रोक्सीमेटली इसको पकड़ पकड़ सकते हैं कहीं कहीं आपको थोड़ा इधर उधर दिख सकता है कहीं कहीं बुक्स में कोई टाइम इधर उधर थोड़ा बहुत होता है कोई उसका उसका कोई मतलब मायने नहीं रखता क्योंकि वो हम अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेते हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी रिटर्न रिकॉर्ड्स कि ये कितना टाइम पहले है ठीक है इसीलिए इसको बस अप्रॉक्सीमेटली हम लोग पकड़ लेते हैं जस्ट बिफोर द होलोसिन पीरियड अब होलोसिन पीरियड क्या है ये आप मैं इसको मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी तो होलोसिन पीरियड क्या होता है प्लास्टिन पीरियड uh, के बाद वाला जो पीरियड आता है उसको कहते हैं होलोसिन पीरियड और ये जो पैलोलिथिक कल्चर है ये प्लायस्टिन पीरियड का है ठीक है पीपल लिव इन केव्स वुडन हट्स एक्सेट्रा तो प्लास्टिस पीरियड में पीपल्स कहाँ रहते थे केव्स में रहते थे वुडन हट्स में रहते थे और ये सब जगह रहते थे जहाँ पर जो कि जंगल के साइड में हो कि जंगल के पास हो जंगल से रिलेटेड हो ठीक है ऐसे जगह में और लोग का ऑक्यूपेशन क्या था हंटर्स और गैदरस थे लोग क्या करते थे हंटिंग करते थे मतलब शिकार करते थे और गैदरस थे गैदरर्स मतलब कि जंगल मर जा, जंगल में, जा जंगल में जाके और वहाँ से वुड्स लेकर आना फल फूल इकट्ठा करके लेके आना ये सब को कहते हैं गैदरर्स ठीक है डिवाइडेड इन टू थ्री फेजेस तो ये जो लोअर पैलेथिक पैलेथिक कल्चर है ये जो पैलेथिक कल्चर है इसको तीन फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है एक तो लोअर दूसरा है मिडल और तीसरा है अपर ठीक है याद रखना पैलेथिक कल्चर को तीन फेजेस में डिवाइड किया जाता है एक है लोअर पैलेथिक कल्चर दूसरा है मिडिल पैलेथिक कल्चर एक तीसरा है अपर पैलियोलिथिक कल्चर तो ये जो डिविजन है ये कैसे किया जा रहा है बेस्ड अपॉन द टूल टेक्नोलॉजी जितना ह्यूमन का दिमाग बढ़ रहा है दिमाग जितना ह्यूमन का तेज हो रहा है उतना हमारा कल्चर डेवलप कर रहा है ठीक है लोअर से मिडिल जा रहा है मिडिल से अपर जा रहा है तो ये देखिए एक चार्ट मैंने दे दिया है ये चार्ट को बेस करके हमार हमारा हमारा जो ये प्री हिस्ट्री का पढ़ाई है वो चलेगा तो फर्स्ट आता है देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल लेफ्ट साइड में देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल है और उसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल फेजेस और एकदम राइट right साइड में जाता है स्टेजेस ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है ये अर्थ का टाइम स्केल है अर्थ का कैसे चेंजेस हो रहा है जियोलॉजी अर्थ की जियोलॉजी कैसे चेंज हो रही है उसका टाइम स्केल यहाँ पर दिया गया है तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो नीचे से देखिए प्लास्टिन पहले है उसके बाद आता है होलोसिन ठीक है उसके बाद आ रहा है हमारा आर्क्योलॉजिकल फेजेस जैसे जैसे अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम स्केल जैसे जैसे थोड़े थोड़ा मतलब बढ़ रहा है थोड़ा अच्छे अच्छे फॉर्म्स में जा रहा है ह्यूमन ह्यूमन के रहने लायक बन रहा है तो वैसे ही हमारा आर्कियोलॉजिकल फेजेस भी हमारा चले आ रहा है ह्यूमन की हिस्ट्री को अगर हम देखें हिस्ट्रिकल पीरियड को देखें तो फिर हमको आर्कियोलॉजिकल फेजेस मिलेंगे तो फर्स्ट आता है प्री हिस्ट्री उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री उसके बाद आता है हिस्ट्री ठीक है उसके जैसे कि आर्कियोलॉजिकल फेजेस भी जा रहे हैं ये क्रोनोलॉजी है टाइम टाइम का एक चार्ट है ये ठीक है उसके बाद जो थर्ड आता है राइट right साइड में स्टेजेस ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट तो जैसे जैसे प्री हिस्ट्री से प्रोटो हिस्ट्री जा रहा है उससे हिस्ट्री जा रहा है तो वैसे ही हमारा कल्चर भी क्या है डेवलप कर रहा है ह्यूमन का माइंड डेवलप कर रहा है ह्यूमन का जब माइंड डेवलप कर रहा है ह्यूमन नए नए टेक्नोलॉजी बना रहा है अपने सर्वाइवल के लिए वो अपना जो सर्वाइवल है उसको और अच्छा बना रहा है और ऐसे ही हमारा क्या हो रहा है कल्चर भी डेवलप किया जा रहा है ठीक है पहले देखिए एकदम नीचे से देखिए डॉन ऑफ स्टोन है जिसको योलिथिक कहते हैं जबकि स्टोन टूल्स जस्ट बनाए गए हैं ठीक है जस्ट बनाए जा रहे हैं उस समय की बात है लोगों को अच्छी तरह से स्टोन का इस्तेमाल करना नहीं आता पर वो तभी कोशिश करें कि स्टोन से कुछ ना कुछ काम वो लाया जाए स्टोन को अपना कुछ काम में लाया जाए ठीक है तो उस टाइम को कह रहे हैं योलिथिक पीरियड उसके बाद आता है उसके बाद आता है पैलियोलिथिक पीरियड ठीक है ओल्ड स्टोन एज जिसको कहते हैं पैलियो का मतलब होता है ओल्ड ठीक है लिथोस का मतलब होता है स्टोन ओके ओल्ड स्टोन एज जिसको कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड इसको तीन तीन स्टेज में क्लासिफाई किया गया है एक तो लोअर पैलियोलिथिक दूसरा है मिडल तीसरा है अपर पैलोलिथिक अब लोअर जब पैलोलिथिक चला गया ठीक है जब पैलियोलिथिक चला गया उसके बाद आता है मेजोलिथिक जिसको कह रहे हैं मिडिल स्टोन एज मेजोलिथिक पीरियड ठीक है ह्यूमन का ब्रेन थोड़ा और डेवलप हुआ उस समय उस समय उसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड जब ह्यूमन एग्रीकल्चर करने लगे जब ह्यूमन को पता चला कि व्हाट इज एग्रीकल्चर कैसे आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं ठीक है कैसे आप गेहूँ उगा सकते हैं कैसे आप वेजिटेबल्स जो है वो उगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में वो उगाना स्टार्ट कर दिए न्योलिथिक आपको पता है मेहरगढ़ जो है वो सबसे अर्लीस्ट न्योलिथिक सिविलाइजेशन है ये हिस्ट्री के क्वेश्चन में आता है ठीक है तो नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज उसके बाद आता है चैल्कोलिथिक पीरियड अब चैल्कोलिथिक पीरियड क्या है कॉपर एज है चैलकुलथिक पीरियड पता है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मोहनजोदारो हरप्पा ये सब जो है चैलकोलैथिक पीरियड में आ जाता है तो यहीं तक यहीं तक हमको पढ़ना होता है प्री हिस्ट्री में ओके इसके बाद जो आया मॉडर्न पीरियड ब्रोंज एज जहाँ पर वैदिक कल्चर उसके बाद आगे उसके बाद मौर्यन फिर महाजनपद ये सब जो आते हैं फिर गुप्ताज ये सब जो आते हैं मॉडर्न पीरियड में चला जाता है इतना हमको वो तो हिस्ट्री का पार्ट चला गया वो तो आपको हिस्ट्री में पढ़ना होगा पर चालकोलिथिक तक चालकोलिथिक तक हमारा एंथ्रोपोलॉजी है चालकोलिथिक तक हमको पढ़ना पड़ेगा एंथ्रोपोलॉजी में प्री हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी में पर स्टार्ट कहाँ से होगा योलिथिक से नहीं होगा स्टार्ट होगा पैलीलिथिक से एंड होगा चालकोलिथिक से अगर हम इतना पढ़ ले तो हमारा प्री हिस्ट्री एंथोपोलॉजी कम्प्लीट हो जाता है ठीक है तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन हम चलते हैं लोअर पैलॉलीथिक कल्चर के बारे में यहाँ पर पढ़ने बोला है लिखने बोला है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा यहाँ से मेन बॉडी आ जाएगा तो लोअर पैलिथिक कल्चर इन इंडिया ये पहले स्टडी किया गया था बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इसको पहले स्टडी किया था इन 1863 1863 को फर्स्ट स्टडीड बाय रॉबर्ट ब्रूट फूस फूट ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है आफ्टर दैट द लीडर्स ऑफ येल केम्ब्रिज एक्सपेडिशन डी टे एंड पैटरसन स्टडी इड इसके बाद क्या हुआ येल कैम्ब्रिज के जो एक्सपेडिशन ये, येल कैम्ब्रिज का जो एक्सपेडिशन था ये एक्सपेडिशन क्या था इंडिया में वो आए आकर इंडिया की इंडिया को एक्सकेवेट करने लगे जहाँ जहाँ उनको लगा कि ये सब जगह में आर्कोलॉजिकल टूल्स मिल सकते हैं वो जगह को एक्सकेवेट एकस्का, करने लगे ताकि वो लोअर पैथिक कल्चर के ऊपर रिसर्च कर पाए ठीक है तो इसको लीड कौन किया डी टेरा एंड पैटरसन ने इसको लीड किया था ठीक है तो इसके बाद क्या हुआ कांट बी अरेंज्ड इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस डी टू डिफरेंट कल्चरल फेसिस जो ये जो इन्होंने एक्सकेवेट किया ये एक्सकेवेट करने के बाद इनको लगा कि हर एक जितना भी एक्सकेविटेड एरिया है जहाँ पे जहाँ पर खुदाई हो की गई है तो ये सब जो एक एरिया है ये इसका क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के अनुसार टाइम समय के अनुसार इसको हम नहीं बैठा सकते कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई कोई जगह मिडिल पैलेथिक का है कोई कोई जगह लग रहा है कि नहीं नहीं अपर पैलेथिक का है तो हम ये टाइम के हिसाब से हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अरेंज नहीं कर सकते हैं ऐसा लगा इसी को कहते हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसको कल्चर इसका हर एक जगह का कल्चर हर एक अलग तरह का है ठीक है अब कल्चर कैसे पता चलता है टूल टेक्नोलॉजी से टूल्स कैसे मिल रहे हैं जितना बड़ा टूल है उतना पीछे कल्चर है ठीक है उतना लोअर पैलिथिक का कल्चर है योलिथिक का कल्चर है जितना छोटा टूल बनेगा जितना शार्प टूल बनेगा उतना हमारा न्यूअर कल्चर की तरफ जाएगा ठीक है और लेटेस्ट कल्चर आएगा ये दिखाया गया है मतलब इसमें ठीक है साइट्स क्या क्या है सोन वैली इन नॉर्थ सोन वैली नॉर्थ में सम डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान भीम्बेटका बेलन वैली इन एम एंड यूपी बोरी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र सिंहभूम इन झारखंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश तो इसको अगर हम ये जो देखिए पैलेटिक साइट्स इन इंडिया पर बोल दिया गया है देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको देखे जाएंगे देखिए आदमगढ़ भीमबेटका जो मैंने अभी बोला फिर ऐसे ही आपको आंध्र प्रदेश के जगह में अट्टीरम पक्कम ये भी दिखेगा ये सब क्या है नागार्जुन कोंडा ये सब क्या है ये सब साइट्स है पैलिथिक साइट्स इंडिया के यहाँ पर एक्सकैवेशन हुआ था जैसे जैसे एक्सकैवेशन हुआ वो सब साइट्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं ओके नेक्स्ट हम चलते हैं इसके असली अब क्वेश्चन का असली मोड़ चलाया है कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस इन लोअर पैलिथिक इंडिया ठीक है ये जो राइट साइड में देखिए सोन वैली सोन वैली दिख रहा है आपको सोन वैली है कहाँ सोन वैली मैप में थोड़ा हम देख लेते हैं सोन वैली है कहाँ सोन वैली है पोटवर प्लेट्यू में एक एक प्लेट्यू है कहाँ है रावल रावलपिंडी रावलपिंडी कहाँ है पाकिस्तान में है आपको पता है रावलपिंडी के वहां पर एक पोर्टवेर प्लेटू है अब पोर्टवेर प्लेटू कैसे बनता है प्लेटू कैसे बनता है जहाँ से कोई रिवर पास हुआ होगा तो वहाँ से प्लेटू बन जाता है तो फिर ये जो प्लेटू बना है बिकॉज ऑफ द सोन रिवर सोन रिवर गए इसलिए यहाँ से प्लेट्यू बना है इसका नाम है पोटवर प्लेट्यू तो सोन रिवर कल्चर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजी में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है बहुत बहुत क्वेश्चंस बहुत बार देखा गया क्वेश्चंस आया है यहाँ से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सोन वैली के लिए ऊपर क्वेश्चन आता है ठीक है तो सोन वैली का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ठीक है सिर्फ जहाँ पर सिर्फ सोन वैली को लेकर क्वेश्चंस रहेगा और सोन वैली के ऊपर ही मेरा आंसर रहेगा पूरा वीडियो सोन वैली के ऊपर रहेगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें बहुत कुछ समझना है बहुत कुछ डायग्राम है डायग्राम भी आपको याद करना पड़ेगा ठीक है तो आज अभी हम थोड़ा जिस्ट बता रहे हैं सोन वैली के ऊपर एज पर द क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार हम बस जिस्ट बताएंगे यहाँ पर डिवाइडेड इंटू फोर स्ट्रेटम चार स्ट्रेटम में डिवाइड किया गया है सोन वैली एक तो टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर ठीक है चार स्ट्रेटम मतलब चार स्ट्रेटा समझो कि ये जो आपको ऊपर जो एक डायग्राम मैंने दिया है यहाँ पर रिवर के पास आपको एक लैंड स्लाइड स्लोप दिख रहा है लैंड स्लोप तो ये जो लैंड स्लोप है इसको अगर हम सीढ़ी के तरह इसका एक्सकर्वेशन करें ठीक है इसको रिवर एक्सकैवेशन कहते हैं रिवर साइड एक्सकैवेशन इसको हम सीरी के तरह एक्सकैवेट करें तो हमको क्या बनेगा एक एक जो सीरी का जो एक एक स्टेप होता है वैसे हमारा स्ट्रेटम बनता है तो ये जो स्ट्रेटम बनता है ये जो स्ट्रेटम है इस स्ट्रेटम को हम क्या कह रहे हैं टी वन टी टू टी थ्री के हम नाम से इसको दे रहे हैं और ये जो टी वन टी टू है इसका भी नाम है क्या क्या है एक है प्री अर्ली सोन लेट सोन इवोल्व सोन प्री सोन क्या है जो बहुत पहले कल्टिवेट सॉरी एक्सकैट हुआ था बहुत पहले एक्सकैट हुआ था उसके बाद आता है अर्ली सोन जो उसके बाद एक्सकैट हुआ था लेट सोन जो अर्ली सोवन के बाद एक्सकेवेट हुआ था और इवॉल्व सोन जो उसके एकदम बाद एक्सकैट हुआ था मतलब कि जैसे जैसे हमको टूल्स मिल रहे हैं वैसे वैसे हम इसको क्रोनोलॉजी के अनुसार इसको टाइम के अनुसार इसको सजाया जा रहा है अरेंज किया जा रहा है ठीक है तो टूल्स क्या क्या मिले हैं टूल्स फाउंड आर क्रूड को टूल्स टू फ्लेक टूल्स इवन स्क्रेपर्स क्लीवर्स ओवेट्स एक्सेट्रा तो क्या क्या मिले हैं क्रूड मतलब क्या है क्रूड मतलब है बहुत रफ रफ टूल कोर्टूल टूल का क्या मतलब होता है एक पत्थर समझो कोई भी एक बोल्डर एक पत्थर है तो वो पत्थर को हम बोलेंगे टूल ठीक है अब उसको क्रूड बोल रहे हैं क्योंकि एक रफ पत्थर क्या होता है स्मूद नहीं होता वो क्या होता है रफ होता है तो इसीलिए रफ होता है इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्रूड को टूल अब फ्लेक टूल क्या है जब उस पत्थर से एक शार्प कोई वेपन बन रहा है जब वो शार्प वेपन बन रहा है समझ लो मैं एक पेंसिल है पेंसिल को मैं ब्लेड से उसको छील रही हूँ तो ब्लेड से जो छील कर जो निकला जा रहा है निकाला जा रहा है वो जो पार्ट्स उसको कहते हैं फ्लेक्स अब वो जो पार्ट अब आप इसको एक पत्थर को इमेजिन कीजिए पेंसिल को हटा दीजिए एक पत्थर ले लीजिए अब पत्थर को वैसे ही हम छील रहे हैं ब्लेड से समझ लीजिए छील रहे हैं तो छील छील के जो अलग से फ्लेक्स निकल रहा है अब वो जो छोटा छोटा फ्लेक्स निकल रहा है अब उसको कह रहे हैं फ्लेक टूल अब वो जो फ्लेक निकल रहा है उसको और शार्प कर रहे हैं उसको जब और शार्प कर रहे हैं उसको कह रहे हैं हम फ्लेक टूल्स ठीक है तो ये कोट टूल और कोट टूल से निकलता है फ्लेक टूल्स अब फ्लेक टूल्स कैसा होता है ऑब्वियसली छोटा होगा कोट टूल से क्योंकि कोट टूल तो बड़ा होगा क्योंकि वो तो पत्थर से बना है वो कोट टूल है और फ्लेक टूल क्या होगा छोटा होगा अब उस फ्लेक टूल से क्या निकल रहे हैं स्क्रेपर्स बन रहे हैं क्लीवर्स बन रहे हैं ओवेड्स बन रहे हैं ठीक है थीके? और ये डिफरेंट स्टेजेस में बन रहा है तो समझ में आ रहा है जब हमारा जितना हमारा दिमाग बढ़ रहा है उतना हम एक बड़े पत्थर से छोटे के तरफ जा रहे हैं जब हमारा दिमाग चल नहीं रहा है हम क्या कर रहे हैं बड़ा पत्थर उठा के एक शिकार कर रहे हैं ठीक है जब हमको लग रहा है कि नहीं ये शिकार बड़ा पत्थर से शिकार मेरा प्रॉपरली एम नहीं हो रहा है टारगेट मेरे टारगेट में पहुंच नहीं रहा है क्योंकि पत्थर बड़ा है हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने क्या किया फिर बड़े पत्थर को जब उनको लगा कि नहीं जब दिमाग चला दिमाग जब कहा कि नहीं बड़ा पत्थर नहीं होगा छोटा करना पड़ेगा तब क्या हुआ बड़ा पत्थर छोटा बन गया ठीक है तो टूल टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखिए फ्रॉम क्लेक्टोनियन टू तो लेवलॉशियन टूल टेक्नोलॉजी आ रहा है और इन डिफरेंट स्टेटम जितना जितना स्टेडम हमारा जा रहा है उतना क्लेक्टोनियन से लेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है टेक्नोलॉजी अब क्लेक्टोनियन टेक्नोलॉजी क्या है लेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी क्या है ये तो टूल टेक्नोलॉजी जिस दिन मैं पढ़ाऊंगी उस दिन बता दूंगी कि ये दोनों टेक्नोलॉजी क्या है और इसके साथ और भी कुछ टेक, टूल्स टेक्नोलॉजी होगा वो बस टूल टेक्नोलॉजी के ऊपर ही वीडियो रहेगा वो मैं अलग से बनाऊंगी ठीक है इसमें मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट इसमें इस नहीं है ठीक है बेलन वैली एंड अदर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया तो फर्स्ट तो क्या है वैली और नेक्स्ट आता है बेलन वैली बेलन वैली क्या है ये ऑब्वियसली हमारे इंडिया में है ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के बीचों बीच है ठीक तो है तो लोअर पैलिथिक टूल्स हैव ऑल्सो बिन फाउंड इन बेलन वैली इन यूपी में दिख रहा है आपको यूपी में है और आप जब मैप मैप को अगर देखेंगे यूपी साइड जो है आपको ये देखिए यूपी साइड जो है आपको यहाँ पर आपको बेलन वैली मिलेगा ये जो पूरा जो यहाँ पर छोटे छोटे और भी जो साइड्स मिले हैं ये सब इंक्लूडेड है बेलन वैली में इसीलिए इसको एक ही नाम से बोला जाता है बेलन वैली इन यूपी और क्या है दिदवाना भी यहां पर बोला गया देखिए दिदवाना यहीं पर है ठीक है अब देखिए लो पैर टूल्स द डेजर्ट एरिया ऑफ दिदवाना इन राजस्थान ठीक है तो डेजर्ट एरिया में भी मिला है और बेलन वैली में भी मिला है दिदवाना ईल नॉट ओनली पले, लोअर पैलेथिक स्टोन टूल्स बट ऑल्सो दोज ऑफ द मिडिल एंड लोअर अपर पैलेथिक टूल्स तो सिर्फ लोअर पैलेथिक टूल्स ही नहीं मिडिल और अपर पैलेथिक टूल्स भी मिला है इसीलिए मैंने बोला इसको कल्चरल कम्प्लेक्सेस इसीलिए कहते हैं पीपल यूज़ हैंडसेस क्लीवर्स एंड चॉपर्स उस समय के पीपल को क्या देखा जा रहा है बेलन वैली के पीपल यूज़ uh, करते थे क्या यूज़ करते थे हैंड बैग्स यूज़ करते थे क्लीवर्स और चॉपर्स तो हैंड बैग्स देख लीजिए क्या होता है ये जो uh, मैंने जो नीचे जो एक टूल्स देख ली uh, का पिक्चर दिया है यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट में है लेफ्ट साइड में है एक्स्ट्रीम लेफ्ट में है इसको कहते हैं हैंड बैग्स क्योंकि ये देखिए इसको कोट टूल कहते हैं क्योंकि एक पत्थर से पत्थर से फ्लेक्स निकाल निकाल कर पत्थर से फ्लेक्स निकाल निकाल कर इसको शार्प कर दिया गया है ठीक है समझ लीजिए जैसे कि एक पेंसिल होता है पेंसिल को जैसे इसको छिल छिल के आप शार्प करते हो वैसे इसको पत्थर से और पत्थर निकाल, निकाल कर इसको शार्प कर दिया गया है इसे को टूल कहते हैं और इसे कहते हैं हैंड्स ओके हैंड्स क्लीवर्स एंड चॉपर्स चॉपर्स क्लीवर्स क्या होते हैं ये हैंड्स से बनते हैं पर हैंडग्स को और अच्छे से शार्प करके क्लीवर्स चॉपर्स बनाया जाता है चॉपर्स जो है ये बहुत ज्यादा शार्प होता है चॉपर्स आपको समझ में ही आ रहा है जब आप चॉप कर रहे हो चॉप कर रहे हो तो चॉपिंग करने के लिए आपको कितना शार्प ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ सकता है आप समझ ही सकते हो कि कितना शार्प है द एक्सेस फाउंड इन इंडिया आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ वेस्टर्न एशिया यूरोप एंड अफ्रीका जो हैंड एक्सेस यहाँ पर इंडिया में मिले हैं वो बहुत सिमिलर है वेस्टर्न एशिया से यूरोप से और अफ्रीका से स्टोन टूल्स वे यूज लार्जली फॉर चॉपिंग डिगिंग एंड स्किनिंग स्किन तो चॉपिंग के लिए यूज़ होता था डिगिंग के लिए यूज़ होता था डिगिंग क्यों करेंगे बिकॉज जब हमको कुछ लगेगा कि नहीं हमको मिट्टी के अंदर कुछ किसी चीज़ को पोत कर रखना है जैसे कि जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं या ऐसा कुछ तो डिगिंग उस वक्त डिगिंग की ज़रूरत है अगर मिट्टी में कुछ गड़ गया है समझो कुछ आलू निकालना है या वैसे कुछ कैरेट्स निकालने हैं रेडिश निकालने हैं मिट्टी के डिगिंग प्रोसेस की जरूरत है ठीक है और स्किनिंग क्या होता है जब छिलका छिलका हमको निकालना है या कोई एक हंटिंग मैं करके लाया हूँ अब हंटिंग का जो ये आ, क्या कहते हैं ऊपर का जो स्किन है Leather, leather जो है उसको हटाना है क्योंकि उससे कभी कभी कपड़े भी बनते हैं क्लोज भी बनता था पहले उसी से स्किन को वो क्लोज बनाकर पहनते थे तो फिर जब स्किनिंग करने के लिए भी क्या होता था स्टोन टूल्स का यूज करना होता था ईस्टर्न इंडिया सिंहभूम इन झारखंड ऑल्सो गिव अ न्यूमरस एविडेंसेस ऑफ लोअर पॉलिथिक पेबल टूल्स इन द बैंक ऑफ सुवर्ण रेखा रिवर तो सुबर्णा रेखा रिवर क्या है झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत एनशियट बहुत पुराना रिवर है सुबर्णा रेखा रिवर अब अगर आप अभी जाकर देखोगे तो वो मानसून के टाइम ही बस उसमें पानी रहता है और बाकी टाइम में वो सूखा पड़ा रहता है तो फिर सुबर्णा रेखा जो रिवर है बहुत एनशियन बहुत पुराना रिवर है और ये इसी के पास लोअर पैलिथिक पेबल टूल्स मिला है ठीक है नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ पॉइंट है मद्रासियन कल्चर मद्रासियन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है इंडिया का बहुत पुराना कल्चर है और इसको ड्राविडियन कल्चर भी बोलते हैं द मद्रासियन कल्चर इज़ अ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर ऑफ इंडिया डेटेड टू द लोअर पैलेथिक कल्चर ये देखिए मैप में एक बार देखते हैं ये जो नीचे की तरफ जो कल्चर है जहाँ पर हमारा ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ये सब जगह जो चला आता है अट्टरी पक्कम नगर जुनकोंडा हुंसी ये ये सब जगह जो है ये पूरा हमारा मेड्रेशियन कल्चर में आ जाता है तो मेड्रेशियन कल्चर का टूल टेक्नोलॉजी देख लीजिए इज मेजरली एशलियन टूल टेक्निक एंड बाईफेशियल टूल्स बाईफेशियल टूल्स मतलब दो ही तरफ से टूल के हर एक टूल के दो ही तरफ से काम हो सकता है नीचे से भी ऊपर से भी सामने से भी पीछे से भी तो ये जिसको कहते हैं बाईफेशियल टूल्स ओके द आर्टिफेक्ट कम्प्राइज बाई फेसेस सच इज़ हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पिक्स ऑन कोर्स एंड फ्लेक्स एंड यूनिफेशियल टूल टाइप्स ऑन कोर्स एंड रीटच्ड फ्लेक्स मतलब कि ये जो दोनों तरफ से काम वाले जो हैंड एक्सेस हैं और क्लीवर्स है जहाँ क्लीवर्स जो है जिसको बहुत सारे टाइप्स के क्लीवर्स यहाँ पर मिले हैं कोई कोई क्लीवर है जो स्क्वेयर है कोई कोई है ओवल शेप का है ठीक है ये सब जो है और कुछ कुछ यूनिफेशियल टूल्स भी हैं जिसको जो जो बस एक ही तरफ से काम में आ सकता है वैसे भी टूल्स टाइप्स यहाँ पर मिले गए हैं और रीटच्ड फ्लेक्स का मतलब है एक फ्लेक्स निकला ठीक है एक पत्थर को मैंने उसके ऊपर से जो एक और पत्थर मैंने हटाया एक पत्थर को और तोड़ा और शार्प बनाया उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको और भी रिटच करने के बाद और भी पॉलिश करने के बाद और भी शार्प करने के बाद जो मेरा वेपन बनता है उसको बोलते हैं रीटचड फ्लेक्स ओके कल्चर तक ही हमारा आ, कल्चर खत्म हो जाता है आंध्र प्रदेश का मैंने भी बोला अट्टरी पक्कम जो है वो उसको कहते हैं ट्रेजर ऑफ पैलियोलिथिक एज क्योंकि अटरी पक्का में इतना ज़्यादा एविडेंस मिला है टूल टेक्नोलॉजी का इतना सारा वेपन्स मिला है इतना सारा टूल्स मिला है कि आप हैरान रह जाओगे देखकर और अगर आप सुबर्ण रेखा में भी जाओगे ना तो सुबर्ण रेखा में भी आपके सुबर्ण रेखा के आसपास अगर थोड़ा आप देखोगे पेबल टूल्स मिलेगा आपको और सच में आपको टूल्स मिलेगा वहाँ पर जाके जो प्रीवियस प्रिमिटिव ह्यूम जिसका यूज़ करते थे वैसे टूल्स आपको मिलेंगे वहाँ पर ऐसा ही है फ़र्क रहता है इतना तक हमको लिखना पड़ेगा और इसके बाद आप कंक्लूजन में थोड़ा बहुत अपने तरफ से जो आपको समझ में आया है इस वीडियो से आप कंक्लूजन में आ, आपके आंसर के आंसर से इसको जोड़ सकते हैं ये जो मैंने दे दिया ये मैंने मेन जो बॉडी है इसके बारे में थोड़ा बताया और इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कंक्लूजन आप खुद लिखिए देखिए कंक्लूजन आप यहाँ पर कमेंट में भी लिख के मुझे भेज सकते हैं तो मैं आपको चेक कर दूँगी कि आपने सही लिखा है कि नहीं ऐसे आप इंटरेक्टिव रहिए ठीक है क्लास के साथ इंटरैक्शन बनाए रखिए थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे जय हिंद